हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है और आज के इस वीडियो में हम इंडेक्स फॉर्मूले का यूज सीखेंगे। जहां वी लुकअप काम नहीं आता है वहां इंडेक्स फॉर्मूला काम करता है। ठीक है, आइए देखते हैं वी लुकअप कैसे काम करता है। तो यहां पर मैं अपनी शीट चेंज कर लेता हूं, यहां पे आ जाते हैं। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं स्टूडेंट का नेम लिखा हुआ है, ये स्टूडेंट का नेम है, यहां रोल नंबर है सबसे पहले और तमाम सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं और यहां टोटल किया हुआ है मैंने। ठीक है, अब यहां पर हम वी लुकअप के माध्यम से टोटल कैलकुलेट करना चाहते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे आएगा टोटल, फेच करके कैसे डेटा लेके हम आ पाएंगे। तो इज इक्वल टू वी लुकअप, एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला इज इक्वल टू के निशान से शुरू होता है, ये तो पता ही है आपको। इज इक्वल टू वी लुकअप लगा दिया हमने। अब वी लुकअप कह रहा है कि लुकअप वैल्यू दीजिए, कहां से आपको लुकअप करना है। तो यहां पे हमने लिखा हुआ है स्टूडेंट का नेम। ठीक है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट के नेम के पहले क्या दिया हुआ है, रोल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, कभी भी वी लुकअप जो है लेफ्ट साइड का एरे से नहीं लेता है। ठीक है, अभी आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए हमने सेलेक्ट कर लिया, हमें राम का नंबर देखना है, तो राम सेलेक्ट कर लिया, कॉमा दिया। कॉमा देने के बाद अब हमें यहां पे दिख रहा है टेबल एरे। तो टेबल एरे आपको कहां से सेलेक्ट करना है, ये स्टूडेंट का नेम है राम, तो आपको स्टूडेंट नेम से ही सिलेक्शन में लेना पड़ेगा यहां से। ठीक है, अगर आप गलती कर देते हैं और पूरा ही डेटा सिलेक्शन में ले लेते हैं तो इस कंडीशन में आएगी एरर। कैसे एरर आएगी, आइए दिखाता हूं। ये देखिए रोल नंबर से मैं सिलेक्शन में लेता हूं, जबकि असलियत क्या है कि हमने स्टूडेंट नेम से यानी राम को उठाया है यहां से। ठीक है, कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद अब क्या करना है हमें, कॉमा देने के बाद हमें यहां पे देना है कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है, देखिए यहां से स्टार्ट होगा। जैसे मान लीजिए जहां से आपने डेटा सेलेक्ट किया होगा वहां से कॉलम नंबर स्टार्ट होगा। तो अभी आपने कहां किया है, स्टूडेंट नेम से किया है, तो यही आपका बन जाएगा कॉलम नंबर वन। ये हो गया कॉलम नंबर वन, बी कॉलम नंबर वन हो गया, सी कॉलम नंबर टू, डी कॉलम नंबर थ्री, ई फोर, एफ फाइव, जी सिक्स, एच सेवन और आई एट, यानी कि आठवें कॉलम नंबर को हमें करना है यहां पे एंटर। तो यहां पे कॉलम नंबर एट एंटर कर दिया है मैंने, कॉमा दिया, अब एग्जैक्ट मैच के लिए दे देंगे जीरो और इस ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। ठीक है, ये भी लुकअप हुआ, एंटर करेंगे तो यहां एनए आ जाएगा। एनए आने के पीछे कारण क्या है, एनए आने के पीछे कारण ये है कि हमने रोल नंबर से डेटा सिलेक्शन में लिया है। ठीक है, इसी कारण ये एरर आ रही है। चलिए इस एरर को दूर करते हैं और वी लुकअप को थोड़ा क्लियर समझ लेते हैं, तभी हमें इंडेक्स भी समझ में आएगा। तो अब यहां से डेटा सिलेक्शन में लेना है क्योंकि हमने लिया है स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम से सेलेक्ट कीजिए, उसमें ले लिया। अब यहां पर कॉमा देता हूं और अब यहां से काउंट करता हूं, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये देखिए सेवन और ये एट। अब यहां पे सही है एट है। ठीक है, तो यहां पे हम कर देते हैं एट, तो यहां पे कॉलम नंबर एट है, कॉमा दिया, एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो दे दिया, एंटर प्रेस किया, तो यहां पे देख सकते हैं 388 नंबर आ चुका है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये 388 नंबर किसका है, राम का है, आप देख सकते हैं यहां मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। ठीक है, इंडेक्स फॉर्मूला यूज करने से पहले राजू का टोटल कर लेते हैं। तो वी लुकअप के फॉर्मूले की मदद से इजीली ये हो जाएगा। तो यहां लगा लिया वी लुकअप, और वी लुकअप में हम किसको खोजना चाहते हैं, तो राजू को खोजना चाहते हैं और राजू का है तो कॉमा दे दिया। अब क्योंकि स्टूडेंट नेम में ही हमारा राजू का नाम मौजूद है, यहां पे देख सकते हैं स्टूडेंट नेम जो टाइटल एसी के अंदर है, तो यहीं से हमें डेटा पूरा सिलेक्शन में लेना होगा। ये ले लिया हमने डेटा सिलेक्शन में। अब यहां पे ध्यान रखना है कि ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा, पूरा सेम डेटा सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पूरा डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा दिया। अब यहां पे कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कौन सा कॉलम है जिसमें आपका टोटल रखा हुआ है, तो यहां से काउंट कर सकते हैं आप, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो यहां पे एट दे देंगे, कॉमा देंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए हम देते हैं जीरो और क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पे देख सकते हैं राजू का टोटल 213 है, इसे मैंने हाईलाइट कर दिया है ग्रीन कलर से, तो ये राजू का टोटल आ गया। रोल नंबर तो आप फेच कराने से रहे वी लुकअप की मदद से, क्योंकि लेफ्ट साइड में जाएगा नहीं ये। ठीक है, तो अभी हम यहां पे इंडेक्स यूज करेंगे, तो यहां लगा लिया इंडेक्स, ये लगा दिया इंडेक्स और यहां पे एरे, तो एरे यानी कि पूरा टेबल ही कर लीजिए सेलेक्ट, यही एरे कर लिया, कॉमा दिया। अब यहां पे कह रहा है रो इंडेक्स नंबर, तो राजू का जो रो इंडेक्स नंबर है वो कौन सा है, यहां से काउंट करना है आपको टाइटल से, क्योंकि पूरा ही डेटा आपने लिया है सिलेक्शन में, तो यहां पे वन टू थ्री फोर, तो यानी कि राजू का जो रो इंडेक्स नंबर है वो फोर है, तो यहां फोर कर दिया, कॉमा दिया। अब कॉलम इंडेक्स नंबर, रोल नंबर का कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है, तो पहला ही तो है, तो यहां वन कर दीजिए, क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, यानी राजू का रोल नंबर है थ्री। इस तरह से कर सकते हैं, यह फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।